नमस्कार। RCI एजुकेशन हब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम RCI स्कूल हिंदी मीडियम RBSC ब्लॉक के सामने यहाँ खड़े हुए हैं। RBSC हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल सर लक्ष्मण प्रसाद सैनी जी हमारे साथ में हैं। सर, अपने यहाँ जैसा सबको पता है कि बानसूर क्षेत्र में RCI स्कूल के बोर्ड कक्षाओं के जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही शानदार आए हैं, और उसके बाद में 1 जुलाई से अपने स्कूल खोला है, 1 जुलाई से और आज तक एडमिशन जो प्रोसेस है वो चला है। तो एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन सी क्लासेज जो हैं जिनमें आपको लगता है कि अभी एडमिशन शुरू करने हैं? एडमिशन की बात करें तो सभी क्लासें लगभग एडमिशन फुल हो गए। 9वीं और 11वीं में थोड़ा सा और है जिसमें प्रवेश ले सकते हैं लगभग। जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया आपको कि हमारे यहाँ केवल 9वीं 11वीं जो है उसमें कुछ एडमिशन्स जो हैं वो लेने हैं, बाकी सभी क्लासेज जो हैं उनमें एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारी समस्त जो एजुकेशन टीम है, टीचिंग नॉन टीचिंग टीम है, और उन सभी अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने RCI परिवार पर, RCI स्कूल पर विश्वास करके अपने ननिहालों का, अपने बच्चों का हमारे यहाँ प्रवेश करवाया है। इसके साथ ही मैं जानकारी देना चाहूँगा कि RCI एजुकेशन हब बानसूर की ओर से 11वीं में फाउंडेशन नीट, IIT और NDA फाउंडेशन की क्लासेज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके लिए 25 जुलाई को एक एंट्रेंस होगा, उसमें 10th पास विद्यार्थी भाग लेंगे। उसमें जो विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उसमें हमें 30 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना है। सुपर 30 के नाम से इस बैच को हम शुरू करेंगे। इस बैच में जो विद्यार्थी रहेंगे उनको नीट और IIT और NDA की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, और इसके लिए हम, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विद्यार्थियों से इस फाउंडेशन के नाम पर एक्स्ट्रा किसी प्रकार की कोई फीस हम नहीं लेंगे, और वो बैच 25 जुलाई को जैसे एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद में वो बैच प्रारंभ होगा। इसलिए जो अभिभावक इस बैच में यानी नीट IIT के बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने बच्चे को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, वो 25 जुलाई से पहले ही RCI में आकर के संपर्क कर सकते हैं। और निश्चित हम पूर्ण विश्वास के साथ में कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को उस बैच में जो विद्यार्थी रहेंगे उनका सिलेक्शन आने वाले 2 साल में, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता दूँ RCI ने जब शुरुआत की थी उस समय कंपटीशन के रूप में क्लासेज शुरू की, उस समय AIEEE और RPET के रूप में कक्षाएं चलती थी। प्रथम बैच में ही AIEEE में 14 विद्यार्थियों को उस समय सिलेक्शन दिया था, और उसके बाद में चूंकि स्कूली स्तर पे हमें आना पड़ा, अब स्कूल के लेवल पर जो कक्षाएं चल रही हैं उनमें बानसूर के जितने भी टॉपर्स विद्यार्थी निकलते हैं, अलवर जिले में जो टॉपर निकलते हैं वो RCI से हर साल रिजल्ट दिए जा रहे हैं। तो पुणे में RCI हिंदी मीडियम ब्लॉक की ओर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा अभिभावकों को कि आपने विद्यालय परिवार पर विश्वास किया और हमारे यहाँ हमारी अपेक्षाओं से अधिक प्रवेश आप सबने करवाए। हम आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। अभी हम पहुँचे हैं RCI हॉस्टल के भवन के सामने। ये RCI हॉस्टल है, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लड़के हमारे इस हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में भी सभी सीटें पूर्ण हो चुकी है, मात्र 7 बच्चों की जो सीट रही है। इसके लिए भी मैं अभिभावक जिन्होंने हॉस्टल के ऊपर विश्वास किया है, उस हॉस्टल में उन्होंने अपने विद्यार्थियों का ये प्रवेश दिलवाया है। मैं बता दूं कि यहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल में कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, राइटिंग क्लासेज, मैथ, साइंस, इंग्लिश के ट्यूशंस की व्यवस्था नियमित रूप से चलती है। सुबह योगा क्लासेज जो हैं वो करवाई जाती है, इवनिंग में स्पोर्ट्स क्लासेज जो हैं वो विद्यार्थियों को करवाई जाती हैं। तो हॉस्टल में जिन विद्यार्थियों ने विश्वास किया मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके विश्वास पर RCI हॉस्टल का पूरा स्टाफ जो है वो भी खरा उतरेगा। पुनः आप सबको धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हैं RCI इंग्लिश मीडियम ब्लॉक में, और मेरे साथ में हैं RCI इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर योगेश कुमार शर्मा जी। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभिभावक जो हैं वो एडमिशन्स के बारे में आपसे मैं भी जानना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो हमारे CBSE स्कूल का एडमिशन्स के संबंध में आपका क्या कहना है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी केवल 3 ही महीने हुए हैं, और उस दौरान मैंने RCI में इतने प्रयास किए हैं और उस शॉर्ट टाइम में नंबर ऑफ़ एडमिशन इतने हो चुके हैं। राइट नाउ मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि केवल और केवल हमारे पास में 11th क्लास ही एक ऐसा स्टैंडर्ड बचा है जिसपे कि हमारे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें भी हम नीट फाउंडेशंस का करिकुलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि एक एंट्रेंस हम 25 जुलाई के अप्रॉक्स शेड्यूल कर रहे हैं। थैंक यू सर।
जैसा सर ने बताया कि यहाँ केवल 11th क्लास जो है उसमें कुछ एडमिशन्स कुछ सीट्स रही हैं, बाकी सब क्लासों में एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन पेरेंट्स ने RCI इंग्लिश मीडियम स्कूल पर भी विश्वास किया है और अपने बच्चे का एडमिशन्स करवाया, हम प्रिंसिपल सर और मेरी तरफ से आप सबको विश्वास दिलवाना चाहूँगा कि आप जो विश्वास करके यहाँ आपने प्रवेश करवाया है उसके ऊपर हम खा उतरेंगे और आने वाले यानी भविष्य जो होगा उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, म्यूजिक, अदर एक्टिविटीज़ और एजुकेशन जो है अच्छी बेस्ट एजुकेशन के माध्यम से हम अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप सबको, सभी अभिभावकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।